Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, I am Munir Rahman. Dear students, in last few lectures, we discussed four parts of respiratory system. That were nose, pharynx, larynx and trachea. What is nose? Nose is external visible part of respiratory system. And what is pharynx? Pharynx is a tube that is part of both respiratory system and digestive system. And then we discussed most important part of respiratory system, that is larynx how larynx is responsible for the production of sound because here vocal cords are present and these vocal cords are responsible for phonation or production of sound and then we discussed trachea what is trachea trachea is commonly known as windpipe and here cilia and mucus are present and these cilia and mucus is responsible for trapping the microorganisms or pathogens

और होता कहां है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रेकिया को ट्रेकिया क्या है pipe है। ये जब आकर दो पार्ट्स में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है इन ब्रांचेस को असल में क्या कहते हैं ब्रोकाया कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यह ट्रेकिया है इमेजिन करें ट्रैकिया आके जब बाइफर्केशन का प्रोसेस करता है कहते हैं दो ब्रांचेस में डिवाइड होने को फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिया है ट्रैकिया आया एक राइट, लेफ्ट लंग्स की तरफ चला गी गी एक ब्रांच और दूसरी जो है वो राइट लंग में चली गई है इन दो ब्रांचेस को क्या कहते हैं ब्रोकाए कहते हैं अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ब्रोकाए क्या है ब्रोंकाय आर द एयर पैसेज है. क्या है एयर पैसेज है जो क्या करता है एयर को रास्ता देता है डेट कंटक्ट डेट कंटक्ट एयर इन टू द लंग्स जो एयर को कहां पे लेके जाता है लंग्स के अंदर लेके जाता है अब समझते हैं यह ट्रेकिया है ट्रेकिया आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है एक ब्रांच को हम राइट ब्रांच कहेंगे क्योंकि ये राइट लंग में एंटर हो रहा है ये राइट वन है एंड जो दूसरा है वो लेफ्ट है क्यों जो लेफ्ट में एंटर हुआ है अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है ट्रेकिया आगे फर्दर दो जो ब्रांचेस है बाईफर्केशन की दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई इनको हम ब्रोकाया कहा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब पुलर के लिए ब्रोंकाय का वर्ड यूज करेंगे लेकिन जब सिंगल की बात करेंगे सिर्फ एक की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे ब्रोंकस कहेंगे मीन्स के सिंगुलर जो है ब्रोंकाय का वो है ब्रोंकस अच्छा जब बाईफर्केशन हुई ट्रैकिया की बाइफर्केशन होने के बाद राइट जो ब्रोंकस है वो राइट लंग में एंटर हुआ और जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में एंटर हुआ वो पॉइंट लंग का ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट जहां से ब्रोंकस एंटर हुआ उस पॉइंट को हमने किसका नाम दिया है हाइलम का नाम दिया है एंटर टू लंग एट एट क्या होगा कौन सा पॉइंट है उस जगह को क्या कहते हैं उसको हम हाइलम का नाम देते हैं अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या गैश एक्सचेंज इस पॉइंट पे हुई नहीं हमेशा याद रखना है जो गैश एक्सचेंज है ये सिर्फ पैसेज ऑफ एयर है अभी ये पैसेज ऑफ एयर है असल में जो गैश एक्सचेंज होगी वो आकर आगे ब्रोंकियोल में एयर आएगी ब्रोंकियोल में एयर आने के बाद लास्ट पार्ट तक पहुंचेगी जिसको एयर सेक या एल्वियोलाय कहते हैं एल्वियोलाय में आगे एक्सचेंज होगी वहां से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कोई भी गैश एक्सचेंज नहीं होती नो गैश एक्सचेंज अच्छा जब ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है हमने उसको कॉमन ब्रोंकाय कहा है लेकिन जब यह आगे यह जो ब्रोंकाय है आगे हम देखेंगे यह फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगा तो इस बेस पे जो फर्स्ट बाईफर्केशन है ट्रेकिया की यह जो फर्स्ट ब्रांचेस हैं इसको हम किसका नाम देंगे प्राइमरी ब्रोकाए का या प्राइमरी ब्रोंकस का सो प्राइमरी ब्रोंकस क्या है जब ट्रैकिया किया बाईफ होता है बाईफ कहते हैं सेपरेटेड इनटू टू ब्रांचेस। ब्रांचेस बाईफन करता है बाईफन के रिजल्ट में जो पहली दो ब्रांचेस बनती हैं इन पहली दो ब्रांचेस को यह वाली ब्रांच और यह वाली ब्रांच इस ब्रांच को क्या कहेंगे हम प्राइमरी ब्रोंकस का नाम देंगे और प्राइमरी दो हैं तो प्राइमरी ब्रोंकाय का नाम देंगे अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाय है ये जो ट्रैकिया से डिवाइड होके बना है ये प्राइमरी ब्रोंकाय आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है इन ब्रांचेस को चाहे जितनी भी ब्रांचेस हो जो प्राइमरी से बनेगी उनको हमने किसका नाम देना है सेकेंडरी का फॉर एग्जाम्पल ये, ये प्राइमरी थी प्राइमरी से आगे दो बनी है एक ये बनी है और दूसरी ये बनी है इन ब्रांचेस को हम किसका नाम देंगे सेकेंडरी ब्रोंकाय का नाम देंगे सो प्राइमरी ब्रोंकाय से क्या चीज बनी सेकेंडरी ब्रोंकाय बनी और सेकेंडरी ब्रोंकाय फर्दर डिवाइड होगी और इस डिवीजन के रिजल्ट में फर्दर ब्रांचेस बनेगी फॉर एग्जांपल यह जो है सेकेंडरी है अब ये सेकेंडरी फर्दर डिवाइड हो रही ब्रांचेस ये. ये में ये ब्रांचेस में ये ब्रांचेस में इन ब्रांचेस को हम किसका नाम देंगे टर्शरी ब्रोंकाय का नाम देंगे सो सेकेंडरी so, से क्या चीज बनी फर्दर डिवाइड होके टर्शरी ब्रोकाय बनी अब इस टर्शरी ब्रोकाय आगे क्वार्टरनरी में नहीं डिवाइड होती उस को अब क्वार्टरनरी जो है वो नहीं कहेंगे अब इसको हम दूसरा वर्ड्स का नाम देंगे जिसको हम क्या कहेंगे ब्रोंकियोल्स, मींस के जब टर्शरी ब्रोंकाय जो है वो फर्दर समाल ट्यूब्स में डिवाइड होता है अब इन स्मॉल ट्यूब्स को हम किसका नाम देंगे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेड से जाहिर किया है इसको हम ब्रोंकियोल्स का नाम देंगे अब ब्रोंकियोल्स समाल होती जाएंगी मेन्यूट जो है वो टाइनी कैपलरीज में टाइनी टिब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी अब इस टाइनी टिब्यूल्स को हम किसका नाम देंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल जाके एंड हो जाएगी एयर सैक पे जहाँ पे एक्चुअल गैशेज एक्सचेंज होगी विद एनवामेंट एंड विद कैपलरीज के साथ अब दोबारा रिवाइज करता हूँ ट्रैकिया डिवाइड हुआ फर्केशन का प्रोसेस हुआ डिवीजन हुई उसके रिजल्ट में दो ब्रांचेस बनी और उन ब्रांचेस को हमने प्राइमरी ब्रोंकाय का प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाय का नाम दे दिया है अब ये प्राइमरी ब्रोंकाय आगे फर्दर डिवाइड हुई जो फर्दर डिवीज़न हुई उन ब्रांचेस को तो हमने सेकेंडरी का नाम दिया जब वो फर्दर डिवाइड हुई तो उनको हमने टर्शरी ब्रोकाय का नाम दिया जब टर्शरी और डिवाइड हुई और उनको हमने ब्रोंकियोल्स का नाम दे दिया जब ब्रोंकियोल बहुत ही ज़्यादा मिन्यूट हुई मीन उनका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली वन मिलीमीटर तक पहुंच गया तो उसको हमने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का नाम दिया और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड होता है जिसको हमने एलवियोलाय का नाम दिया है अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली इटा एम में भी आता है यह जो ट्रेकिया प्लस इससे निकलने बीफ्रिकेशन के रिजल्ट में ब्रांचेस जो निकलती हैं ब्रोंकाय जो निकलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इनके लिए कोलेक्टिवली टर्म यूज होती है जिसको रिस्पायरेटरी ट्री आर ब्रोंकियल ट्री कहते हैं क्या है ब्रोंकियल ट्री कोलेक्टिव टर्म यूज फॉर यूज फॉर ट्रैकिया एंड मल्टीपल ब्रांचेज ऑफ ऑफ ब्रोंका जो ब्रोंकाय की ब्रांचेस और ट्रकिया के लिए कलेक्टिव टर्म यूज होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा एमसीक्यूज के लिए वो है ब्रोंकियल ट्री और रिस्पायरेटरी ट्री इसके बाद जो ब्रोंकाय है इसकी एटेमोलॉजी की बात करते हैं मींस के मीनिंग की बात करते हैं कि ब्रोंकाय को ब्रोंकाय क्यों कहते हैं एटेमोलॉजी ऑफ ऑफ ब्रोंकाय ये जो ब्रोंकाय है ब्रोंखस से निकला है ग्रीक वर्ड है ब्रोंखस जिसका मतलब होता है विंड पाइप सो so, इसका जो काम था वो पैसेज ऑफ एयर से था इस वजह से इसको जो ग्रीक में क्या कहते थे ब्रोंकाय कहते थे ब्रोंकाय की एटिमोलॉजी की बात अब डिस्कस करते हैं कि इसका साइज कितना है जो राइट right ब्रोंकस है जो राइट right लंग में एंटर होता है उसका जो डायमीटर है वो लार्ज है लेकिन जो लेंथ है वो शॉर्ट है मींस के जो राइट right वन है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है शॉर्ट है लेकिन जो लेफ्ट वन है इसकी जो लेंथ है, है डायमीटर का नहीं कह रहा लेंथ का कह रहा हूं उसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग है कितनी है इसकी जो शार्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर राइट वन की जो लेंथ है एंड जो इसकी है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईटा एमसीक्यूज में भी मोस्टली आता है और इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल वाइवा में इसका जो डायमीटर है राइट का वो क्या है लार्ज है और इसका जो डायामीटर है इसका जो डायमीटर है वो क्या है समाल है इसका जो डायमीटर है राइट वन का वो लार्ज है मींस के डायमीटर किसका ज़्यादा है वो राइट का ज़्यादा है अप्रोक्सीमेटली 15 मिलीमीटर है लेकिन जो लेफ्ट वन है उसका जो डायमीटर है वो 13 मिलीमीटर है लेकिन सर एक क्वेश्चन है इसका जो डायमीटर है वो लार्ज है यानी वाइडर है लेकिन जो लेफ्ट ब्रोंकस है इसका जो डायमीटर है वो समाल है नैरो है ये क्या वजह है इसकी क्या रीजन है इसकी ये रीजन है कि जो ये वाला लंग है राइट लंग है ये वाइडर होता है और इसके तीन लोब्स होते हैं तीन लोब्स होने की वजह से इसका जो साइज है इस जो राइट वन का है वो क्या है लार्ज है और जो लेफ्ट वन है इसका जो साइज है आ, लेंथ में नहीं डायमीटर में शुमाल है इस वजह से क्योंकि इसके आगे कितने लोब्स होते हैं लेफ्ट वन के दो लोब्स होते हैं क्योंकि इस लंग का जो लेफ्ट वन है इसका साइज भी शुमाल है इसका जो साइज है वो लार्ज है इस वजह से इसका क्या है साइज बड़ा और छोटा होता है ओरिएंटेशन की बात करें ओरिएंटेशन कहते हैं सिम्थ को फॉर एग्ज़ाम्पल यह ट्रैकिया है और यह क्या है लेफ्ट ब्रोंकस है और ये राइट right ब्रोंकस है इसकी जो ओरिएंटेशन है लेफ्ट वन की ये मोस्टली इस तरह हॉरिजेंटल होती है लेकिन जो राइट right वन है ये ट्रेकिया के बिल्कुल इसी तरह वर्टिकल होता है तो क्या मतलब जो इसकी जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन है ब्रोंकाई की राइट right ब्रोंकाई की यह है वर्टिकल किसके वर्टिकल एंड इसकी जो होती है वो स्लाइटली होरीजेंटल होती है एंड लास्ट में ये जो प्राइमरी ब्रोंकाय है ब्रोंकस है राइट एंड लेफ्ट ये फर्दर कितने में डिवाइड होते हैं अब याद रखना है ये जो राइट right लंग है इसके तीन लोब्स होते हैं सो so, ये जो प्राइमरी है ये आगे तीन सेकेंडरी में डिवाइड होता है फॉर एग्जाम्पल ये और ये लेकिन जो लेफ्ट वन है इस लंग में दो लोब्स हैं सो प्राइमरी कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होता है फर्दर दो लोब दो में एक ये है और दूसरा यह है एक ब्रांच एक लोब की तरफ जाती है और दूसरी ब्रांच दूसरे लंग की लोब की तरफ जाती है मीन्स के ये जो है राइट ब्रोंकस राइट लंग में और राइट लंग के तीन लोब और हर लोब को एक ब्रांच जाती है मीन्स के तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है लेकिन जो आ, लेफ्ट वन है लेफ्ट लंग में दो लोब्स हैं और ह, आ, दो ब्रांचेस में क्योंकि हर लोब एक ब्रांच को जाती है सो so, टू ब्रांचेस में में डिवाइड होता है अब ब्रुकाएं की कंपोजिशन पर बात करते हैं कि ये जो ब्रोंकस हैं लेफ्ट एंड राइट ये किस चीज से मिलकर बनते हैं ये भी सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं यू लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्रोंकाए हैं वो तो सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं और उस कार्टिलेज का नाम है हाइलिन कार्टिलेज लेकिन ये जो कार्टिलेज है ये जा के ब्रोंकियाल में नहीं होती इसके क्या रीज़न है ये ब्रोंकियोल में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जाता है कि ये जो ब्रोंकियोल हैं इनकी कंपोजिशन में जैसा ब्रोंकस की कंपोजिशन में या ट्रेकि की कंपोजिशन में कार्टिलेज हैं जो सीशेप हैं लेकिन ब्रोंक्यूल में नहीं होते ये उसमें डिस्कस करेंगे अब इसके बाद इसके फंक्शंस पे बात करते हैं कि जो ब्रोंकाए right हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस हैं इनके क्या फंक्शंस हैं प्रोवाइड द पैसेज वे फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ ईच लंग ये पैसेज वे देते हैं कि एयर लंग से इंटर हो एयर लंग्स में इंटर हो और लंग्स से रिमूव हो और दूसरा फंक्शन यह है कि इसमें भी ट्रेके की तरह सिलिया और म्यूकस होता है जो क्या करता है रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यह जो म्यूकस है यह कौन प्रोड्यूस करता है यह म्यूकस एक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जो इसमें होता है ब्रोंकाए में जिसको गोबलेट ग्लैंड कहते हैं यह ग्लैंड प्रोड्यूस करता है अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सिक्स पार्ट है सिक्स ऑर्गन है उसको डिस्कस करते हैं कि ब्रोंकियोल क्या है ब्रोंकस या ब्रोंकाय हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रोंकाय क्या है जब ट्रेकिया ब्रांचेस में डिवाइड होता है फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है अब वो ब्रांचेस आगे फर्दर मिन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं इन मिन्यूट जो डिवीजन है इन ट्यूब्स को किसका नाम दिया है हमने ब्रोंकियोल्स का सो so, इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं मिन्यूट ब्रांचेस टू विच ब्रोंकर्स डिवाइडेड जिसमें ब्रोंकर्स डिवाइडेड होते हैं उन ब्रॉन्चेस को क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इनका जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली वन मिलीमीटर होता है लेकिन एक के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन यह आता है कि जो ब्रोंकि हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं समाल में जिनका डायामीटर जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव या लेस होता है तो उसमें कौन सा ऑप्शन है

स्मॉल ब्रोंकियोल्स इज नोन एज टर्मिनल ब्रोंकियोल और इस टर्मिनल का ब्रोंकियोल का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव आर लेस देन जीरो पॉइंट फाइव होता है और यह भी याद रखना है मोस्टली मैंने देखा स्टूडेंट्स को वो ये समझते हैं कि हर जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है उसके साथ सिर्फ एक एलवला या एयर सैक होता है ये सिर्फ बुक में डायग्राम में हमें जाहिर करने के लिए ऐसे शो होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है हर जो टर्मिनल ब्रोंकियोल ब्रौंक, है हर टर्मिनल ब्रोंकियोल के साथ अप्रोक्सीमेटली टेन थाउजेंड्स एल्वियोलाय होते हैं एक एलवियोल नहीं होता कितने होते हैं टेन थाउजेंड एल्वियोलाय होते हैं सो ईच टर्मिनल इन टर्न डायरेक्ट एयर टू अप्रोक्सीमेटली टेन थाउजेंड्स एलवियोला है की कंपोजिशन की बात करते हैं कि ब्रोंकियोल्स चीज से मिलकर बनते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड कोबाइडल एपिथिलियम एंड लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स अब जब मैं ब्रोंकिस की कंपोजिशन बता रहा था ब्रोंकाई की कंपोजिशन बता रहा था तो उधर ये बताया था कि ये सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं लेकिन वहाँ पे ये पॉइंट बताया था कि जो ब्रोंकियोल्स हैं उनमें ये कार्टिलेज नहीं होती इसकी क्या रीज़न है इसको समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ब्रोंकियोल है अगर इसको जूम करके देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्यूब को जूम किया अब इसमें क्या है स्मूथ मसल्स हैं अब स्मूथ मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी ये इंपॉर्टेंस है इसमें कार्टिलेज इस वजह से नहीं है और स्मूथ मसल्स इस वजह से हैं रेस्टिंग पोजीशन में जब इतनी ज्यादा एयर या ऑक्सीजन नहीं जरूरत होती तो ये कंस्ट्रक्ट होती हैं ऐसे कंस्ट्रक्ट होती हैं इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन बॉडी को ज़्यादा चाहिए ब्लड को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि एनर्जी बनानी है तो ये क्या होते हैं थोड़ा डायलेट हो जाते हैं ऐसे डायलेट हो जाते हैं ये ट्यूब्स जो ब्रोंकियोल्स हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस है ताकि ज़्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई तक पहुँचे और एलवियोलाई से ब्लड में पहुँचे लेकिन रेस्ट पोजिशन में जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते तो ये कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं इनका जो डायमीटर है वो सामाल हो जाता है जिसकी वजह से जो स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन एंटर होती है लेकिन जो ही इस तरह की कंडीशन आती है कि जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये क्या कर जाती है डायलाइट ये जो डायलेशन है और कंस्ट्रक्शन है वो कैसे पॉसिबल होती है वो इन्हीं समूथ मसल्स की वजह से पॉसिबल होती है इसी वजह से जो ब्रोंकियोल्स हैं उनमें लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, ना के कार्टिलेज होती हैं ब्रोंकियोल्स के फंक्शंस पे बात करते हैं कि ब्रोंकियोल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। एक तो ये है कैरी ऑक्सीजन रिच एयर इन टू एल्वियोलाय आर लंग्स एंड वापसी में क्या करता है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट टू एलव्योलाय आर लंग्स और तीसरा इसका ये फंक्शन है कि इसमें स्मूथ मसल्स होने की वजह से ये क्या करता है डायलेट एंड कंस्ट्रक्ट Dilate and constrict in getting the proper amount of oxygen into blood. Now we are going to summarize the whole topic what we have learned today. We discussed bronchi. What is bronchi? Bronchi are the air passageway dead conduct air into the lungs. What is primary bronchi? When the trachea is divided or bifurcated into two branches is known as primary bronchi. When primary bronchi is divided into further branches is known as secondary and then tertiary bronchi. And then we discussed what is bronchioles? Bronchioles, when bronchus is divided into minute branches, is known as bronchioles and when bronchioles is further divided into small tiny branches which is approximately 0 0.5 millimeter in diameter is known as terminal bronchiole and terminal bronchiole end at alveoli and what are the functions of bronchioles functions are the bronchioles carry oxygen rich air into the alveoli or lungs carry carbon dioxide rich air out to the alveoli and then smooth muscles are present in bronchioles are terminal bronchioles and in getting the proper amount of oxygen into blood because due to presence of smooth muscles in bronchioles they can dilate and constrict if you are facing any doubt regarding to this topic you can comment in comment section i will be liking to answer your question as soon as possible thanks a lot